सजा रखे देखो हाथी, ये रियल के नहीं लग रहे, रियल ही है। भाई रोक लो, रोक लो, मुझे ऊंट देख के मतलब मुझे नकली लगा। भाई नीचे का करो मैं। आज हम आए गिरजा माता के दर्शन के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूनम और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस नए व्लॉग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश का मौसम था, डर लग रहा था कहीं बहुत तेज़ बारिश ना हो जाए, क्योंकि कार से निकलते ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम गए, हमने यहाँ भी दर्शन किए और फिर हम हनुमान धाम भी गए। अगर आपने मेरा हनुमान धाम का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे जल्दी से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा गिरजा माता के बारे में, लेकिन पहले यहाँ की लोकेशन के बारे में बताऊंगी। ये है गर्जिया रामनगर में। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा और हनुमान धाम भी ज़रूर जाइएगा। और ये जो गर्जिया, ये जो गिरजा मंदिर है, ये बसता है कोसी रिवर के बीचों बीच। ये जो आपको दिख रही है ये है कोसी रिवर। पानी अभी थोड़ा कम है, बारिश में मेरी फ्रेंड बता रही थी कि पूरा भर जाता, क्योंकि वो यहाँ पे पहले रहती थी तो वो बता रही थी कि पूरा भर जाता है और माता इसके बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर विराजमान है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है और माता के दर्शन करने तो आप आ ही रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि क्यों इसकी इतनी मान्यता है। तो गिरिजा माता जो, या मैं बोलूँ गिरिजा देवी, ये माना जाता है कि ये जो पार्वती जी हैं इनका पुनर्जन्म हुआ था और ये तब आकर धरती पर बसी थी। और ये गिरिराज मतलब जो पहाड़ देवता हैं उनकी बेटी हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है गिरिजा देवी। तो यहाँ आइएगा, एक शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ का तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिविटी से लड़ने की पावर देती है माँ और नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं आपकी ज़िंदगी से। तो ज़रूर आइएगा और इनके दर्शन बिना भैरव बाबा के पूरे माने ही नहीं जाते हैं, तो आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने। चलिए ऊपर को चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊँ नायरा ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। मतलब हमें लगा था कि ये परेशान हो जाएगी क्योंकि हम पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग पहले, मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ आए उसके बाद हनुमान धाम भी गए, लेकिन ये तो और ज़्यादा खुश हो रही थी। मतलब उसको इतना मज़ा आ रहा था ना घूमने में, तो हमें लगा हाँ ये बच्ची जो है ये घूमने वाली ही बनेगी। तो हम लोग फिर पहुँच गए माता के दर्शन के लिए। हमें माता के दर्शन हुए अच्छे से, उसके बाद हमने प्रसाद दिया, चढ़ाया और उसके बाद हमें प्रसाद मिला भी, जो वहाँ पर पंडित जी थे उन्होंने टीका लगाया, प्रसाद दिया, हमने एक परिक्रमा ली और फिर हम नीचे को आ गए। फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए, उसके साथ ही दूसरे मंदिर भी है वहाँ पर, जैसे सरस्वती माता का मंदिर है, शिव जी भगवान का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, तो हमने उनके भी दर्शन किए। फिर थोड़ा हम वहाँ रुक गए थे क्योंकि हमने कोसी रिवर में थोड़े से फ्लावर्स चढ़ा दिए थे और उसके साथ ही वहाँ हमें मछलियाँ दिख गई, तो बच्चे थोड़े एक्साइटेड हो गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े क्योंकि हमें हनुमान धाम भी जाना था, तो हम ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं कर पाए। आप यहाँ के आराम से बैठिए, आपको यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे, खाने के भी स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे खत्म होता है व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।